ये है कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र एनसीसी के प्रश्लेष शर्मा। ये एनसीसी के कैडेट हैं और यहाँ पर कोरोना वायरस के काल में अपनी सेवाएं लायंस पार्क के चौराहे पर दे रहे हैं। ये भी एनसीसी के कैडेट है और इनका नाम मनोज शर्मा है और नीमच के पीजी कॉलेज के छात्र हैं और इन दिनों ये भी अपने साथी के साथ यहाँ लायंस पार्क चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। ये आप कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं नीमच जी में दे रहे हैं, आप कौन से इसके कॉलेज के स्टूडेंट हैं और कब से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं? सर हम नीमच पीजी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और लगभग हमें एक डेढ़ महीने हो गया सेवा देते हैं। अच्छा, कितने घंटे की आप लोगों की ड्यूटी हो जाती है प्रतिदिन? सुबह 6 घंटे की, मतलब 8 से 2 तक की सर। 8 बजे आ जाते हैं और 2 बजे तक ड्यूटी करते हैं। रिफ्रेशमेंट वगैरह खाना वगैरह की क्या व्यवस्था रहती? बिल्कुल सर, हमारे खाना हमारे खाने से भी आता है और उसके अलावा यूनिट से हमें बहुत अच्छी अच्छी रोटी वगैरह कुछ भी मतलब सब्जी वो मिलता रहता है हमें। और क्या दिशा निर्देश दिए आप लोगों को यहाँ पर कार्य करने के लिए? सर हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना, जैसे कि किसी को भी रोकना है तो उसे दूर रह के बात करना और अभद्र से व्यवहार नहीं करना और मास्क वगैरह की ऐसी कुछ सामने वाले को बताना, इस तरीके से हमें प्रोवाइड किया गया है सीओ साहब द्वारा। तो सेवा दे रहे हैं आप यहाँ से? 1 महीने से सेवा दे रहा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं बीए थर्ड ईयर में पढ़ता हूँ। तो आप लोग सब पीजी कॉलेज नीमच के स्टूडेंट हैं? हाँ, पीजी कॉलेज नीमच। किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है क्या आप लोगों को? बिल्कुल समस्या तो नहीं हो रही है, हम यहीं पे रूम लेके भी सेवा दे रहे हैं और सीओ साहब का आदेश भी मिलता रहता है, जैसे सैनिटाइजर वगैरह का और इनका। कौन कौन वरिष्ठ अधिकारी आते हैं आप लोगों से चर्चा करते हैं? यहाँ पे मेजर, सूबेदार और यूनिट के यहाँ पे आते हैं। अच्छा, सीओ साहब आते हैं यहाँ पे, बात करते हैं कि आप कैसे हो, ठीक हो, आपका। आप लोग अंदाजन कितने लोग होंगे जो आपके एनसीसी वाले जो सेवाएं दे रहे हैं अपनी? यहाँ पे 114 है जो जावाद, मनासा, नीमच और सर्वानी महाराज यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पूरे जितने भी एनसीसी के कैडेट हैं? हाँ बिल्कुल, सेवा दे रहे हैं। कोई है जो किसी कारणवश नहीं दे पा रहा है, बाकी सब दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को घर से किस अनुमति, कभी आपने काम इसमें ड्यूटी करेंगे तो कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह घर से? कभी घर वालों ने बोला है कि अगर आपकी इच्छा है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अगर भागीदारी बनती है तो बिल्कुल आप सेवा देने के लिए जा सकते। तो सुना आपने इन सभी कॉलेज में पढ़ने वाले एनसीसी कैडेट छात्रों को इनका क्या कहना है? ये देश की सेवा की भावना रखते हैं और इस कोरोना काल में, संकट के काल में अपनी सेवाएं देकर अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन ये जो खड़े हैं भीड़ बनाकर, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाकर, ये कौन सी सेवाएं दे रहे हैं ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये इस ज़िले को ज़रूर संकट में डाल रहे हैं। अगर इस ज़िले में अभी 6 पॉजिटिव है कोरोना के, अगर 660 और 660 भी हो जाएं तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बन जाते हैं जो लॉकडाउन में ढील के समय मनमाने तरीके से रोड पर भीड़ इकट्ठी होती है, सोशल डिस्टेंस को ताक पर रख दिया जाता है। हालांकि अधिकारियों की गाड़ियाँ यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की हिदायत देते रेंगती सड़कों पर नज़र आती है, लेकिन कोई जिम्मेदारी के साथ, सख्ती के साथ इन्हें नई हिदायत देता है, तभी तो ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं। इससे भी शर्मनाक दृश्य ये देखिए, डायल 100 मऊ रोड पर किस तरह से 4 से 5 लोगों को इकट्ठा करके चर्चा कर रही है। जनाब, ये अगर अधिकारी भी है इसमें और अगर जांच करना है तो इन्हें उतर के जांच करना चाहिए, ऐसे सोशल डिस्टेंस की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहिए, भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, इन्हें कौन बोले? सो लगाओ पुलिस बुलाओ की गाड़ी लेकर जो घूम रहे हैं, पर अगर ये ऐसे सो लगाओ और पुलिस बुलाओ आएगी तो कैसे काम चलेगा इन लोगों का? ये लोग तो खुद धज्जियाँ उड़ाते हैं नज़र आ रहे हैं, तो फिर हम बाज़ार में घूमने वाले और सोशल डिस्टेंस को तोड़ने वालों से क्या उम्मीदें लगाएंगे? इनके अधिकारी भी है कि क्या पता कौन सी दुनिया में है और किस तरह से कार्य कर रहे हैं, हमारी समझ से परे है। पुलिस पंचायत के लिए नीमच से संजय गोड़ की विशेष रिपोर्ट।